हेलो स्टूडेंट तो पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो जय मेंस वगैरह में पूछे गए हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टेन टू दी पॉर फाइव पर परुल पॉइंट्स ड्यू टू वेस्ट एट अ सर्टेन स्पॉट वाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ चार्ज ऑफ प्लस टू माइक्रोकुल एंड माइनस फाइव माइक्रोकुल एट दिस स्पॉट यानी बोल रहा है स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टेन टू दी पावर फाइव न्यूटन पर माइक न्यूटन पर कुल पॉइंट्स डू टू वेस्ट यानी वेस्ट की तरफ काम कर रहा है तो यानी हम लोग चारों डायरेक्शन को अगर शो कर लें तो दिस इज़ इस वॉट ईस्ट ये हमारा क्या हो गया स्टोड वेस्ट है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किधर काम कर रहा है वेस्ट की तरफ काम कर रहा है यानी ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ठीक है तो हम लोग क्या पढ़ें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वही फोर्स का डायरेक्शन होता है है ना तो यानी फोर्स भी किधर काम करेगा वेस्ट की तरह ही काम करेगा ठीक है बट बोल रहे वॉट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ चार्ज ऑफ प्लस टू माइक्रोकुल एंड माइनस फाइव माइक्रोकुल तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लग जाता है एफ इक्वल टू क्यू ई ठीक है बट किसके लिए बात कर रहे हैं प्लस टू के लिए तो फोर्स ऑन प्लस टू माइक्रोकुल तो प्लस टू माइक्रोकुल के लिए फोर्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट तो यहाँ पे क्यू ई ठीक है अब क्यू के जगह हम क्या पुट करेंगे टू इन माइक्रो मीन्स टेन का पावर माइनस सिक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना की बेने स्टूडेंट टेन टू दावर फाइव माइक्रो न्यूटन पर कुलम तो यहाँ पे रख देंगे टेन टू दी पावर फाइव है ना देन टू इन टू टेन टू द पावर माइनस वन इट मीन्स हमको क्या मिलेगा टू अपॉन्ट टेन तो जीरो पॉइंट टू हो जाएगा ठीक है ये हमारा क्या निकल के आ गया फोर्स तो जीरो पॉइंट टू न्यूटन और इस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा तो वेस्ट की तरफ होगा यानी ड्यू वेस्ट क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ठीक है फिर नेक्स्ट देख लेते हैं किसके लिए फोर्स ऑन माइनस फाइव कूलम ठीक है तो इसके लिए भी सेम फार्मूला होगा Q इक्वल Q E देन Q हमारा कितना है माइनस फाइव इंटू माइक्रो टेन का पावर माइनस सिक्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड टेन टू दावर फाइव ठीक है तो अगेन हमको क्या मिलेगा माइनस फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस वन यानी माइनस फाइव अपॉन टेन वी गेट माइनस जीरो पॉइंट फाइव न्यूटन ठीक है तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये जो चार्ज है वो कैसा नेगेटिव है तो अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ईस्ट वेस्ट की तरफ है तो जो फोर्स हो जाएगा वो किधर हो जाएगा स्टैंड ईस्ट की तरफ है ना बोथ आर टू अदर अपोजिटर बिकॉज चार्ज इज नेगेटिव तो ये हमने पहला क्वेश्चन को देखा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट हम लोग आई होप यहाँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेंस में पूछा गया है तो क्या बोल रहा एक एक है ए पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास एक पॉइंट चार्ज है जिसका मास कितना है मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस बी वेयर बी इज अ कॉन्स्टेंट एंड इज डिस्टेंस है ना फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट क्लियर तो यानी क्या बोल रहा है कि ए पॉइंट चार्ज क्यू पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास एम स्टार्ट मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ई नॉट माइनस बी एक्स तो देखिए अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा उस पर फोर्स लगेगा तो कितना फोर्स लगेगा ठीक है यानी जो चार्ज है वो स्टार्ट कर रहा है मतलब इनिशियली वो कैसा है रेस्ट पर है ठीक है तो रेस्ट पे है तो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर चार्ज पे क्या होगा फोर्स लगेगा कितना फोर्स लगेगा तो ऐप इक्वल टू क्यू है ना हम लोगों ने पढ़ा है कि ई इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट एफ अपॉन क्यू क्लियर देन जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू है ना इतना फोर्स उस पर लगेगा क्लियर है तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फोर्स निकल के आया एफ इक्वल टू क्या हो गया क्यू बट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितना ई नॉट माइनस बी एक्स है ना तो क्यू और ई e के जगह क्या रख देंगे स्टूडेंट ई नॉट माइनस बी एक्स है ना इतना हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है तो ये हमारा फोर्स आ गया क्यू ई नॉट माइनस बी एक्स आ गया क्लियर देखिए तो यहाँ से हम एसलेशन निकाल लेते हैं क्योंकि अगर बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो देन उस पर एसोलेशन आएगा तो एसेलेशन क्या हो जाएगा F इक्वल टू एम एक्वल टू क्यू ई नॉट माइनस बी एक्स देन एसलेशन एक्वल टू क्यू अपॉन एम ई नॉट माइनस बी एक्स क्लियर स्टूडेंट देखिए तो यहाँ पे जो हमारा एक्सलेशन है वो एक्सलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है पे डिपेंड कर रहा है मतलब वेरी कर रहा है ठीक है यानी एक्सलेशन यहाँ पे हमारा कांस्टेंट नहीं है एक्सलेशन कैसा स्टार्ट वेरिएबल है तो अगर हमारा वेरिएबल है तो देन एक्सलेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो हम लोगों ने एक्सलेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भी डी भी अपॉन डी एक्स है ना एक्सलेशन कितना आ गया ए इक्वल टू भी डी वी अपॉन डी एक्स तो देन यहाँ पे पुट कर देंगे डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एम ई नॉट माइनस बी एक्स ठीक है तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे तो एक्स एक्स वाले को एक तरफ लेके चले जाएंगे ये आप आई होप ये समझ में आ गया होगा है ना क्योंकि ए इक्वल टू क्या हो जाता है डी वी अपन डी टी होता है तो यहाँ पे हम लोग ने dx अपॉन डी एक्स से क्या किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए ठीक है ठीके? तो यहाँ पे क्या dx upon dt, आ जाएगा देखिए डी एक्स अपॉन डी टी इधर आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स है ना ये दोनों को मिला के तो इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया वेलोसिटी तो भी इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन का पार्ट था ठीक है तो भी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एम ई नॉट माइनस बी एक्स अब देखिए यहाँ पे जो एक्स वाला टर्म है उसको एक तरफ लेके चले जाते हैं तो देन हमको क्या मिलेगा यहाँ पे तो हो जाएगा भी डी वी इक्वल टू q अपॉन m e नॉट माइनस बी एक्स और डी एक्स इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा क्लियर है अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएसन करना पड़ेगा तो डिफ्रेंशिएशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे तो देखिए इनिशियली वो कहाँ से स्टार्ट हुआ एट रेस्ट से और फाइनली भी क्या हो गया स्टैंड रेस्ट पे पार्टिकल आ गया है ना मतलब अगर उसका वेलोसिटी इनिशियली कैसा रहा होगा जीरो है ना और फाइनली भी क्या हो गया जीरो क्लियर है बट अगर डिस्टेंस का बात करें तो इनिशियली ज़ीरो लेकिन फाइनली वो कितना डिस्टेंस का बात कर चुका है एक्स तो ज़ीरो से कहाँ जा चुका है एक्स तो लिमिट यहाँ पे हम क्या लगा देंगे तो लिमिट लगाएंगे वेलोसिटी में इनिशियल भी जीरो है और फाइनल भी जीरो है ठीक है भी डी भी अब देखिए जो हमारा यहाँ पे क्यू अपॉन एम है वो कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं ठीक है लेकिन जो हमारा एक्स है वो इनिशियली कितना था जीरो बट रेस्ट पे आते आते वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है एक्स तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा एक्स ई नॉट माइनस बी एक्स इधर क्या हो गया डी एक्स क्लियर है चलिए अब इसको इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन टू है ना लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट भी क्या होगा जीरो कहाँ से आया तो ये समझ में आ गया होगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इंटीगेशन एक्स डी एक्स क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन जितना पावर होता है उतना ही पावर नीचे आ जाता है ठीक है तो क्यू अपॉन एम अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा ई नॉट एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू और लोअर लिमिट क्या हो गया जीरो अपर लिमिट क्या हो गया एक्स हो गया ठीक है चलिए तो अगर हम लोअर अपर पुट करेंगे तो देन ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट जीरो तो यहाँ पे लिख दिए जीरो इक्वल टू क्यू अपॉन एम अब इसको पुट करेंगे तो एक्स के जगह पे एक्स पुट करना है तो हमारा क्या हो जाएगा ई नॉट एक्स माइनस या यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू लोवर लिमिट तो जीरो है है ना तो ये पार्ट हमारा निकल के आए अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे अगर तो हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए तो ये जो पूरा पार्ट होगा इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना तो अगर ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा इनॉट एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू ठीक है तो नेगेटिव है तो एक दो एक उठा के इधर ले आते हैं तो देन इनॉट एक्स इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा ठीक है तो हमको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट एक्स निकालना है डिस्टेंस निकालना था है ना तो देयर फोर एक्स इक्वल टू बी एक्स निकालेंगे तो एक एक्स एक्स काट दीजिए यहाँ से तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टू ई e नॉट अपॉन बी ठीक है ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया क्लियर हुआ तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम तो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो देखिए ये भी मेंस में ही पूछा गया क्वेश्चन है तो इस पे देखिए तो वो रेस्टोरेंट ए पॉजिटिव चार्ज फिफ्टी माइक्रोकुल इज लोकेटेड इन द एक्स वाई प्लेन एट दैट पॉइंट विथ रेडियस वेक्टर आर नॉट वेक्टर आर नॉट इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वैक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वैक्टर निकालना है मतलब डायरेक्शन के साथ एंड इट्स मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट विथ रेडियस वैक्टर वैक्टर आर इक्वल टू एट आई कैप माइनस फाइव जे कैप क्लियर है तो वन बाय वन पढ़ते जाते हैं फिर आगे काम करेंगे ए पॉजिटिव चार्ज फिफ्टी माइक्रोकुल इज लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन एट दैट पॉइंट विथ रेडियस वैक्टर आर नॉट है ना तो देखिए यहाँ पे क्या है स्टैंड तो एक्स ये दिस इज एक्स वाई और ये एक्स हो गया और ये हमारा क्या हो गया वाई तो एक्स वाई प्लेन पे एक चार्ज है इस पॉइंट पे जो कितना है फिफ्टी माइक्रोकाम का और इसका ओरिजिन से रेडियस वेक्टर कितना है वेक्टर आर नॉट है ठीक है अब वो रहे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड एट पॉइंट विथ रेडियस वेक्टर यानी एक रेडियस वेक्टर आर है यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट पे हमको क्या करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विथ डायरेक्शन ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं तो यहाँ पे अगर 50 माइक्रो माइक्रोकाम है और अगर ये पॉजिटिव है तो देन ये यह पॉजिटिव यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये पॉजिटिव इस पर क्या करेगा फोर्स अप्लाई करेगा है ना रेडियली आउट वो तो यहाँ से ये यह फोर्स इधर काम करेगा क्लियर है तो लेट कर ले रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना मान लिया स्टैंड हम लोग वैक्टर एक्स मान लिए ठीक है थीके? तो अगर ये वैक्टर एक्स मान लिया इसको तो देखिए हम लोग इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो कितना हो जाता है ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ठीक है तो इस प्लस क्यू प्लस फिफ्टी माइक्रोकाम चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देन ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मतलब इसका मैग्नीट्यूड इट मीन्स एस स्क्वायर ठीक है तो विद डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है तो वेक्टर ई लिखेंगे वेक्टर इक्वल टू तो के क्यू अपॉन एस स्क्वायर अब यहाँ पे विद डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा तो यूनिट वेक्टर हमारा क्या आएगा एस कैप ठीक है अब इस कैप की जगह लिख सकते हैं क्योंकि आई कैप इक्वल टू क्या हो जाता था वेक्टर आई अपॉन मोड ऑफ आई ठीक है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे एस कैप है तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड है ना तो देर फोर के क्यू अपॉन एस स्क्वायर और क्या लिख देंगे स्टैंड यहाँ पे एस अपॉन एस ठीक है तो के क्यू अपॉन एस क्यू इधर हो गया वेक्टर एस हो जाएगा क्लियर है अब देखिए यहाँ पे कुछ गिवेन स्टैंड है ना तो गिवेन क्वांटिटीज को, को क्या करना है यहाँ पे रख देना है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा वेक्टर एस फाइंड करना पड़ेगा तो वेक्टर एस कैसे फाइंड करेंगे तो देखिए हम लोगों ने ट्रैंगल लॉ पढ़ा है है ना तो सेम डायरेक्शन वाले को जोड़ देते हैं और अपोजिट वाले से के इक्वल कर देते हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर अगेन यहाँ से यहाँ तो ये दोनों क्या हो जाएगा एड हो जाएगा और इसके अपोजिट में कौन है वैक्टर आर तो इसके इक्वल लिख देंगे इट मीन्स आर नॉट प्लस वैक्टर एस इक्वल टू वैक्टर आर ठीक है बट वी हैव टू फाइंड आउट वैक्टर एस देन वैक्टर एस इक्वल टू वैक्टर आर माइनस वैक्टर आर नॉट ठीक है तो वैक्टर एस इक्वल टू वैक्टर आर और वैक्टर आर देखे कितना है एट आई कैप माइनस फाइव जे कैप इट मीन्स एट आई कैप माइनस फाइव जे कैप क्लियर है माइनस आर नॉट कितना है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप है ना तो प्लस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप क्लियर स्टैंड चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एट आई कैप माइनस फाइव जे कैप माइनस टू आई कैप प्लस थ्री सॉरी माइनस थ्री जे कैप तो क्या हो जाएगा देखिए सिक्स आई कैप और इधर हो जाएगा हमारा माइनस एट जे कैप दिस इज व्हाट वेक्टर एस ठीक है अगर हमको एस निकालना होगा तो एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो इसका मॉड निकालेंगे तो वेक्टर एस इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर एस क्या हो जाएगा रूट अंडर सिक्स स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर तो सिक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स प्लस एट का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिक्सटी फोर है ना देन सम कर देंगे तो हंड्रेड देन वी गेट टेन यानी मॉड ऑफ वेक्टर एस इक्वल टू क्या हो गया स्टैंड मैग्नीट्यूड ऑफ एस इक्वल टू टेन ठीक है चलिए तो अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा के का वैल्यू पता है होता है नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन इंटू क्यू है ना तो हमारा जो क्यू है वो क्यू कितना है देखिए फिफ्टी माइक्रोकुल यानी फिफ्टी माइक्रोकुल इट मीन्स वॉट फिफ्टी इंटू टेन का पावर माइनस सिक्स इंटू वैक्टर एस वैक्टर एस क्या हो जाएगा तो देखिए इतना है है ना बट यहाँ पे एस क्यू कितना हो जाएगा इसके टेन तो टेन का क्या हो जाएगा क्यू है ना और वैक्टर एस के जगह पर क्या लिखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ स्पेस है ना सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप क्लियर है इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं तो नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन इंटू फिफ्टी इंटू टेन का पावर माइनस सिक्स इंटू क्या हो जाएगा स्टैंड सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप अपॉन टेन टू दी पावर थ्री ठीक है तो देखिए यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देन यहाँ पे नाइन इंटू फिफ्टी इंटू टेन का पावर नाइन है और माइनस सिक्स तो क्या हो जाएगा टेन का पावर थ्री इंटू सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप ठीक है अपॉन टेन टू दावर थ्री तो ये कट जाएगा तो नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव यानी फोर हंड्रेड फिफ्टी इधर हो जाएगा स्टैंड सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप क्लियर है तो ये हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा है ना कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर स्टैंड इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल देता तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता स्टैंड तो इसका मैग्नीटूड इक्वल टू ये हो जाता फोर हंड्रेड फिफ्टी और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो देन रूट अंडर सिक्स स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर है ना तो फोर हंड्रेड फिफ्टी और यहाँ पे क्या हो जाता थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर क्लियर तो फोर हंड्रेड फिफ्टी और ये आ जाता स्टैंड आपका हंड्रेड इट मीन्स फोर हंड्रेड फिफ्टी इंटू टेन इट मीन्स फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम क्लियर चलिए तो नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं है ना नेक्स्ट वीक जो क्वेश्चन है वो भी मैं पूछा गया है ठीक है तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग पहले फिर देन आगे देखेंगे देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट बिटवीन टू पैरल कंडक्टिंग चार्ज प्लेट यानी जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो किसके बीच एग्जिस्ट कर रहा है टू पैरल कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है ना बोल रहा था प्लेट लेंथ इज एल यानी जो प्लेट का लेंथ है वो कितना है एल है एंड द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डी ठीक है तो सबसे पहले इस पार्ट का, का काम कर लेते हैं तो डायग्राम बना लेते हैं तो देखिए यानी दो कंडक्टिंग प्लेट है तो दो कंडक्टिंग प्लेट में एक कंडक्टिंग प्लेट कैसा होगा स्टैंड पॉजिटिव ठीक है और दूसरा जो कंडक्टिंग प्लेट होगा वो हमारा कैसा होगा नेगेटिव है ना तो ये हमारा नेगेटिव हो गया क्लियर है अब जो प्लेट है स्टैंड इस प्लेट का लेंथ कीबन है है ना लेंथ कितना कीबन है एल ये जो प्लेट है प्लेट का लेंथ कितना हो गया एल और सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डी और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है सेपरेशन है वो कितना गिवन है डि बन है ठीक है चलिए तो देखिए आगे क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन है ना नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट एंड पॉजिटिव प्लेट यानी इलेक्ट्रॉन जो स्टैंड वो स्टार्ट लेता है फ्रॉम नेगेटिव प्लेट से एंड प्रोटॉन जो स्टार्ट लेता है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट से रेस्पेक्टिवली एंड गो टू द अपोजिट प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट चलता है ठीक है विच ऑफ़ them wins द the रेस तो कौन अपने रेस को जीतेगा यानि इलेक्ट्रॉन जीतेगा या फिर प्रोटॉन जीतेगा ठीक है यानी कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा इस पॉइंट पे यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है यहाँ पे हमारा कौन हो गया प्रोटॉन हो गया यानि इसको हम लोग प्लस मान ले रहे हैं और इस पॉइंट पे हमारा कौन है स्टॉन इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर मूव करेगा पॉजिटिव प्लेट, प्लेट की ओर भागेगा है ना ऊपर की, तो की तरफ तो ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है और जो प्रोटॉन है वो किधर मूव करेगा नीचे की तरफ नेगेटिव प्लेट की ने तरफ क्योंकि हमको पता है कि जो प्रोटॉन का मूवमेंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव और तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नेगेटिव टू तो पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा ऊपर की तरफ और प्रोटॉन किधर आएगा नीचे की तरफ तो बोल रहा है कौन सबसे पहले पहुंचेगा मतलब जो रेस लग रहा है है ना एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने का तो कौन पहले जीतेगा ठीक है क्लियर स्टैंड चलिए तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है वो किधर से किधर काम करेगा पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट है ना तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा स्टैंड इन दोनों पर फोर्स लगेगा ठीक है प्रोटॉन पे भी फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगेगा तो प्रोटॉन पे कितना फोर्स लगेगा तो सबसे पहले देख लेते हैं फोर प्रोटॉन ठीक है तो देखिए प्रोटॉन पे कितना फोर्स लगने वाला है एफ इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कि चार्ज पे कितना फोर्स लगता है एफ इक्वल टू क्यू ई ठीक है तो यहाँ पे क्या हो गया एफ इक्वल टू क्यू ई है ना अब यहाँ पे चार्ज क्यू की जगह ई रख देंगे ई e, e, e मतलब पॉजिटिव है तो प्रोटॉन हो गया ठीक ना अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एफ एफ जो है यानी यहाँ पे लिख सकते हैं एफ तो एफ इक्वल टू क्या होगा एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ तो एफ इक्वल टू एम ए तो प्रोटॉन ले रहे हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एसलेन इक्वल टू क्या हो जाएगा ई e, ई e हो जाएगा ठीक है तो एसलेसन फाइंड कर लेते हैं यहाँ से तो देन ए इक्वल टू ई अपॉन एम पी क्लियर है चलिए अब देखिए स्टैंड यहाँ पे जो ई e है वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो फिक्सड होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा नहीं होगा है ना और एम पी एम इज वर्ड मास ऑफ प्रोटोन तो ये भी चेंज होने वाला नहीं यानी ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो पूरा का पूरा टर्म क्या है कॉन्सटेंट है ठीक है यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एसलेशन है वो एसलेशन क्या है स्टैंड कॉन्स्टेंट है ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगर कॉन्स्टेंट है तो देन हम क्या बोल सकते हैं तो हमको टाइम निकालना है यहाँ पे है ना तो टाइम निकालना है अगर कांस्टेंट एसोलेशन से चल रहा है तो हमारा फार्मूला कहाँ से चला क्या ले लेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ़ ए स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं ठीक है क्योंकि हमको डिस्टेंस गिवन है तो हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्लियर है तो डिस्टेंस कितना ले लेंगे डी है ना सेपरेशन बिटवीन द प्लेट डी अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी पहले क्या बोला गया था कि ये स्टार्ट लेते हैं है ना यानी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टार्ट फ्रॉम इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो है ठीक है तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू टी प्लस हाफ एसलेशन कितना हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे एसलेसन हम लोग निकाल के रखें ई अपॉन एम पी तो यहाँ पे पुट कर देते हैं ई अपॉन एम पी क्लियर है इन हो गया टी स्क्वायर ठीक है तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ ई ई अपॉन एम पी और क्या हो जाएगा स्टूडेंट इधर टी स्क्वायर हो जाएगा तो हमको टाइम निकालना है ठीक है तो ये प्रोटॉन का पूरा ले रहे हैं तो प्रोटॉन का टाइमिंग ले रहे हैं कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा तो दे आर फोर टी पी इक्वल टू टी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए टू एम पी डी अपॉन ई हो जाएगा है ना तो दे आर फोर टी पी इक्वल टू अंडर टू एम पी डी अपॉन ई ई हो जाएगा ठीक है ये हमारा क्या आ गया टाइम पीरियड आ गया अब इस टाइम पीरियड के फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं आगे कितना टाइम लगेगा अब देखिए ये प्रोटॉन के लिए निकला तो सिमिलरली किसके लिए निकाल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल सकते हैं सिर्फ जहाँ जहाँ पे पी है वहाँ वहाँ पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ठीक है तो इसी यहीं पे कर लेते हैं तो फोर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी फॉर्मूला वो यही रह जाएगा टी ई इक्वल टू द तो रूट टू एम ई डी अपॉन ई ई हो जाएगा क्लियर चलिए तो देखिए जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है एम ई पे डिपेंड कर रहा है डी और ई ई पे है ना तो मास ऑफ प्रोटॉन यानी जो टाइम पीरियड होगा ई तो कांस्टेंट है ई भी कैपिटल ई भी कांस्टेंट होगा मास भी जो होता है वो हमारा चेंज होगा है ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास अलग होगा प्रोटॉन का मास अलग होगा सेपरेशन बिटवीन डी बिटवीन द प्लेट डी ये कांस्टेंट होने वाला है तो जो मास देयर फोर हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है ग्रेटर देन होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अगर डेफिनेटली अगर मास ज़्यादा है तो उसका स्पीड थोड़ा क्या होगा कम होगा तो टाइम ज़्यादा टाइम लेगा है ना तो यानी देयर फोर टी पी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा है ना तो प्रोटॉन ज्यादा टाइम लेगा क्यों क्योंकि उसका मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम टाइम लेगा क्योंकि उसका मास कम है तो कौन जीतेगा जो हल्का होगा है ना तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन जीतेगा दे फोर इलेक्ट्रॉन विन द रेज ठीक है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा जीतेगा क्लियर क्वेश्चन चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं तो ये भी क्वेश्चन जई में ही ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ठीक है तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बोरा ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टिंग चार्ज प्लेट द प्लेट लेंथ इज एल एंड द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डी सेम क्वेश्चन है है ना फर्स्ट पार्ट जो है वो सेम ही है सेकेंड पार्ट में वेरिएशन होगा तो देन यहाँ पे अगेन हम लोग सेम पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं यह हमारा प्लस हो गया और यह हमारा क्या हो गया नेगेटिव प्लेट हो गया ठीक है चलिए अब बोल रहा है कि इनके बीच का सेपरेशन कितना है सेम है डी ही है और लेंथ कितना है स्टैंड एल है अब बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन स्टार्ट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द प्लेट एट वन इंड ऑफ द प्लेट ठीक है यानी इस प्लेट के एक इंड पे मान ले रहे यहाँ पे एक इंड है इस इंड पे कौन है इलेक्ट्रॉन भी है और इसी पॉइंट पे कौन है प्रोटॉन भी है मतलब इस पूरा जो डिस्टेंस के बीच में है ना एक साइड इस एक किसी एक इंड पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखा हुआ है अब हो रहा है कि एट द वन एंड ऑफ द प्लेट्स एंड मूव पैरल टू द प्लेट और ये कैसे मूव कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो प्लेट के पैरल मूव कर रहे हैं मतलब इस तरीके से एक्सक्सेस के लाउंगे ये चल रहे हैं है ना तो बोच ऑफ द टू विल हैव ग्रेटर डेविशन वैन दे स्टार्ट विथ दस सेम इनिशियल वेलोसिटी अब देखिए अगर ये मूवमेंट करेंगे तो देन क्या होगा इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा फोर्स लगेगा है ना प्रोटोन पर भी फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर मूवमेंट करेगा तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो किधर होगा स्टैंड पॉजिटिव प्लेट की तरफ आगेगा है ना और प्रोटॉन का जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ आगेगा क्लियर है तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भागेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ और जो हमारा प्रोटॉन है वो नेगेटिव की तरफ मूवमेंट करेगा क्लियर है तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि कितना डिवियशन होगा विच ऑफ द टू विल हैव ग्रेटर डिवियशन है ना किसका डिवियसन ज़्यादा होगा वेन दे स्टार्ट विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी जब वो सेम इनिशियल वेलोसिटी से क्या करेंगे मूव करेंगे या फिर सेम इनिशियल कनेटिकव एनर्जी से या फिर सेम इनिशियल मोमेंटम से तो डिबियसन का मतलब क्या है स्टैंड तो देखिए यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स किधर काम करेगा एक्स एक्सिस के अलाम काम करेगा क्योंकि प्लस या माइनस की तरफ फोर्स लगेगा है ना तो जो भी फोर्स का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है है ना यानी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलांग कोई फोर्स नहीं लग रहा है अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा है ना कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से किसके तो अलांग एक्सिस के लॉन्ग ठीक है तो डिवियसन का मतलब यहाँ पे क्या है तो डिवियसन का मतलब है कि वो जब मूवमेंट कर रहा है आगे की तरफ बढ़ रहा है तो एक्स एक्सिस में वो कितना डिविएट हो रहा है है ना तो एक्स एक्सिस के अलाउं जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो डिस्टेंस ही हमको क्या करना है फाइंड करना है क्लियर है तो देखिए अभी तो एक्सक्सिस एक्सिस के अलाउं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो देन वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस यहाँ पे कितना है एल डिस्टेंस कवर करेगा तो एल अपॉन टाइमिंग कितना ले रहा है मान ले रहा है टी ठीक है तो दियर फोर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा भी इन टू टी हो जाएगा ठीक है चलिए तो ये किसके अलाग हुआ अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये जो फेनोमेना हम लोग पढ़े हैं किसके अलॉन्ग तो एक्स एक्सिस के अलाग है ना तो एक्स एक्सिस के अलांग वो कितना लेंथ कवर कर रहा है एल इक्वल टू भी टी बट अगर हम अब हम लोग किसके अलोंग फाइंड करना चाह रहे हैं तो अलोंग वाई एक्सिस देखिए तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा तो वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं तो डिस्ट हमको डिस्टेंस निकालना है तो देन एस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर क्लियर स्टूडेंट तो एस वाई एस वाई जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिविएशन होगा उसी को हम लोग एक्स वाई बोल रहे हैं है ना एस वाई तो डिविएशन कितना हो रहा है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिविएशन जो है वो हम लोग मान ले रहे हैं डेल्टा हो रहा है ठीक है यानी डेल्टा बोल सकते हैं इसको क्लियर है तो अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था क्योंकि रेस्ट पे था है ना तो ये हमारा पार्ट जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू टी प्लस हाफ एक्सलेशन तो एक्सलेशन कितना होगा तो देखिए फोर्स एफ इक्वल टू क्या हो जाता है क्यू ई हो जाता है है ना तो एफ इक्वल टू एम ए क्यू ई तो देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम हो जाएगा क्लियर है तो देखिए एसलेसन के जगह तो यहाँ पे चार्ज का बात हो रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो ई e अपॉन e हो जाएगा एम तो ई अपॉन एम ठीक है और टी तो टी यहाँ से निकाल लेते हैं तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए एल बाई बी हो जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ठीक है आगे बढ़ते हैं तो इधर हो गया डिवीजन इक्वल टू वन बाई टू ई अपॉन एम एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ठीक है ये हमारा पार्ट आ गया क्लियर हुआ स्टैंड चलिए तो अब पहला पार्ट को देखते हैं यानी फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है सेम इनिशियल वेलोसिटी ठीक है तो सेम इनिशियल वेलोसिटी जब दोनों पार्टिकल सेम इनिशियल वेलोसिटी से चलेगा तो सेम इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया स्टोन यहाँ पे तो सेम इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया कि हमारा जो भी है वो क्या है सेम है तो अगर भी हमारा सेम है तो वो जो डिविएशन होगा वो डिविएशन किस पर डिपेंड करेगा तो इनबर स्लीप प्रोपोर्शनल वन अपॉन एम का यानी मास पे ठीक है अब जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो बड़ा होता है किससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्लियर है तो मास अगर प्रोटॉन का अगर ज़्यादा हो गया तो उसका डेविएशन क्या हो जाएगा स्टैंड कम हो जाएगा है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो उसका डेविएशन क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा क्लियर है तो यहाँ पे जो हमारा डेविएशन होगा देयरफॉर बोल सकते हैं कि डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन हल्का है तो उसका डेविएशन ज़्यादा होगा वाई के कैलाउंग वो ज़्यादा डिविएट करेगा है ना ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा और प्रोटॉन जो है वो भारी है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहलाउ जो उसका डिबियशन होगा वो एक्स इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में कम होगा ठीक है चलिए इसका नेक्स्ट आगे देखते हैं सेम इनिशियल कानेटिक एनर्जी वाले पार्ट को है ना तो यहाँ पे सेम इनिशियल कानेटिक एनर्जी देखना है तो अभी हम लोग फार्मूला क्या देखे थे कि डिविएशन जो होता है वो क्या हो जाता है वन बाई टू ई अपॉन एम एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यही फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे ठीक है बट देखिए यहाँ पे कानेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो देन हम लोग क्या करेंगे टू टू से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा तो डेविएशन इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा ई e. तो देखिए कनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ें? के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर ठीक है इसको प्लट के लिख देंगे तो वन अपॉन के ई इक्वल टू क्या हो जाएगा तो प्लट के अगर हम लिखेंगे तो टू ऊपर चला जाएगा और एम भी स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो पूरा पार्ट है ये वाला है ना इस पार्ट को हम लोग कान्टटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो देखिए क्या रह जाएगा ई ई अपॉन टू टू क्या हो जाएगा फोर है ना एल स्क्वायर और ये पूरा पार्ट किस में बदल गया के ई e में बदल गया क्लियर है यानी दे आर फोर डेल्टा इक्वल टू ई एल स्क्वायर अपॉन फोर के ई हो गया ये हमारा आ गया डेविएशन ठीक है अब कानीटिक एनर्जी क्या बोल रहा है स्टूडेंट सेम है ना सेम कनेटिक एनर्जी का बात हो रहा तो है तो अगर सेम कनेटिक एनर्जी है तो देखिए यहाँ पे तो मास का कोई प्रॉब्लम नहीं है है ना क्योंकि कान्ट एनर्जी में पूरा का पूरा मास क्या हो गया डिलीट हो गया तो अगर कनेटिक एनर्जी का कोई मामला यहाँ पे नहीं है इसका मतलब है कि दोनों का जो डेविएशन होगा यानी डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डेविएशन ऑफ क्या हो जाएगा प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा क्योंकि मास का अगर बात होता तो यहाँ पे डेविशन में चेंजेज आता बट कनेटिक एनर्जी का बात कर रहे हैं हम पे मास को कंसीडर नहीं कर रहे है ना मास का यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं दिख रहा है तो उस सिचुएशन में दोनों का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा जाएगा सेम क्लियर है अब देखिए थर्ड वाले में क्या बोलता है स्टूडेंट कि सेम इनिशियल मोमेंटम अगर उनका मोमेंटम क्या हो सेम हो तो अब ये जो फार्मूला है अगेन यहाँ पे जो फार्मूला है इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है मोमेंटम वाले पार्ट में है ना क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला पढ़े हैं पी इक्वल टू एम भी है ना और इस तरीके से चेक करना है कि किस में डेविएशन कम होगा और किसमें डिविएशन ज़्यादा होगा ठीक है तो स्टैंड आई होप आप लोगों को बहुत सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर हम लोग आएंगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग